नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस हम लोग विस्तार में इनके आंसर्स देख रहे हैं। तो इस तरह के अभी तक हम लोग 59 आपके टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 60वां टेस्ट है। इस तरह के आपके जितने भी टेस्ट होंगे, याद रखिए IAS PCS प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपके। तो चलिए, हम लोग 60वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इनके पास विशाल सेना के साथ नौसेना भी थी। बिल्कुल सही बात है। राजकों को धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। ये आपका गलत। शराब बिक्री में राज्य का एकाधिकार था। ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी सही है। याद रखिए, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति की गई थी। वो जो राजयुक्त थे आपके, ये साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, और धम्म आपके धम्म महामात्रों की नियुक्ति होती थी धम्म के प्रचार की। इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो आपका 1 और 3 सही है। और याद रखिए, हमेशा आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया करिए, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन हमसे कई गलत हो जाते हैं इस पॉइंट की वजह से। अब यहाँ लिखा होता कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही नहीं था। और इसने पूछा है कि क्या सही है, तो 1 और 3 इसमें सही होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भैरी घोष का सही वर्णन करता है? युद्ध और हिंसा की नीति, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका डी होगा। भैरी घोष यह युद्ध और हिंसा द्वारा राज्य विजय की नीति को संदर्भित करता है। कलिंग युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर नरसंहार और रक्तपात से अधिक से अशोक व्यथित हो गया था। अशोक का धम्म ना तो एक नया धर्म और ना ही एक नया राजनीतिक दर्शन, अपितु यह जीवन जीने का एक सही तरीका था। यह आचार संहिता और सिद्धांत का एक समूह है जिसे बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन हमारा तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोंग शासकों द्वारा पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे? गलत है। सुदर्शन झील का निर्माण रुद्र दामन प्रथम ने करवाया था? ये भी आपका गलत है। मध्य एशियाई लोगों के प्रभाव से भारत में युद्ध में टोपी और स्थिर स्थावर हेलमेट का प्रयोग किया जाने लगा था? सही है। तीसरा कथन इसमें आपका सही है। 1 और 2 गलत है, क्योंकि भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, पर इनकी संख्या कुषाणों के शासन में बड़ी। ठीक है, तो जारी किसने किया था? हिंदू यूनानी शासकों ने। और रुद्र दामन फर्स्ट शासक था जिसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। उसका साम्राज्य सिंध से लेकर आपकी नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। वह काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में अवस्थित सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील एक आपका किंतिम जलाशय था जिसे बाढ़ नियंत्रण हेतु मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय गवर्नर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल 3 कथन सही था इसमें, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 4, अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
यह ग्रीक और रोमन स्थापत्य कला से प्रभावित है। गलत है। इसमें मूर्तियां मुख्य रूप से आख्यानात्मक विषयों पर केंद्रित है। यह भी सही है। सफेद मरमर का उपयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता थी। ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 और 3 कथन सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों? इसमें सही क्या होगा? यह शैली जो आपकी अमरावती शैली है, यह शैली स्वदेशी रूप से विकसित हुई थी। इस पर बाह्य संस्कृतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 इसमें सही है। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 5। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये आपकी बौद्ध से संबंधित मुद्राएं हैं और ये प्रतीक हैं। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा, पृथ्वी को सत्य का साक्षी बताना सही है। अभय मुद्रा, निर्भर और शक्ति, वज्र मुद्रा, करुणा गलत है। अंजलि मुद्रा, शिक्षक शिक्षण और परिचर्या ये भी आपका गलत है। 3 और 4 इसमें गलत है, 1 और 2 सही सम्मिलित है। ठीक है, क्या है? 1 और 10 सही सम्मिलित है, क्योंकि जो आपकी वज्र मुद्रा थी, यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। क्या? वज्र मुद्रा यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। और जो आपकी अंजलि मुद्रा है, ये आपकी अभिवादन, सब भक्ति, आराधना और समर्पण का प्रतीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए ऑप्शन सही था। 1 और 2 सही सम्मिलित थे, 2 और 3 और 4 गलत थे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 6वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म के महायान पंथ से संबंधित है। बिल्कुल गलत है। एलोरा की गुफाओं के विषय हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। ये आपका सही है, क्योंकि याद रखिए वकाटक राजाओं जिसमें आपके हरिसेन एक प्रमुख थे, के संरक्षण में अजंता की गुफाएं उत्कीर्ण करवाई गई थी। इन गुफाओं में चित्रकारी हेतु फ्रेस्को पद्धति का उपयोग किया गया। इसमें प्रकृतिवाद और स्वाभाविकता के तथ्य दिखाई देते हैं। इन चित्रों में सामान्यतः बौद्ध और उनके जातक कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। 29 गुफाओं में से 5 गुफाओं का संबंध हीनयान और जबकि शेष 24 गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के महायान पंथ से संबंधित है। और जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र की सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। यहाँ 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें आपके 17 ब्राह्मण से संबंधित, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, इनकी जो निर्माण हुआ 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही है, क्योंकि इसमें सही कथन पूछा था। क्वेश्चन है हमारा 7। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। साहित्य और विषय, पंच सिद्धांतिका, खगोलीय सिद्धांत सही है। मिलिंद पनो, बौद्ध सिद्धांत ये भी सही है। सुश्रुत संहिता, संस्कृत व्याकरण ये आपका गलत है। महाभाष, शल्य चिकित्सा का विश्वकोश ये भी आपका गलत है। लेकिन ध्यान दीजिए फिर से, उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही सम्मिलित नहीं है। अगर पूछता आपका कि सही सम्मिलित है, तो इसमें आपका 2, 1, 2 सही था, लेकिन पूछ रहा है सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 और 4 इसमें सही सम्मिलित नहीं है। इसमें सही क्या होगा 3, 4 में? तो उन्हें भी सुन लीजिए।
संस्कृत व्याकरण के असाधारण कृति महाभाष। महाभाष की रचना पतंजलि द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। यह पाणिनि की अध्याय पर टीका है, ठीक है। और आयुर्वेद, आयुर्वेद का मूल अथर्ववेद में है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का एक विश्वकोश है, जिसका संकलन महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, क्योंकि पूछा था कि सही नहीं है, तो 3 और 4 सम्मिलित नहीं थे इसमें। क्वेश्चन है हमारा 8। गुप्त काल के दौरान संधि विग्रह शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। तो इसमें होगा शांति और युद्ध जैसे बाह्य मामलों के मंत्री हेतु, ठीक है। प्रयागराज स्तंभ प्रशस्ति में महादंड नायक कुमारमात संधि विग्रह नामक अधिकारियों का उल्लेख है। गुप्तों द्वारा अधिकारियों के 2 नए वर्गों की शुरुआत की गई थी, जिसमें एक आपका संधि विग्रह था, जो शांति और युद्ध का मंत्री अर्थात आधुनिक विदेश मंत्री था। कुमारामात यह उच्च पदस्थ अधिकारियों का समूह था, जिसका संबंध न केवल राजा से बल्कि युवराज से भी था, जिसे कई बार जिलों का प्रभारी भी बना दिया जाता था। क्वेश्चन है हमारा 9। निम्नलिखित कारकों में से किसने मौर्य साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। वित्तीय संकट, दमनकारी शासन, पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र की उपेक्षा, ब्राह्मणवादी प्रक्रिया। तो ये चारों हैं आपकी, क्या है, चारों होंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, मौर्य साम्राज्य के पतन में योगदान दिया है वित्तीय संकट ने, दमनकारी शासन ने भी, पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र ने भी, और ब्राह्मणकारी प्रतिक्रिया ने। तो इसमें 9 में आपका होगा डी, 9 में क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 10वां, क्या है क्वेश्चन है 10वां, यह मंदिर ठोस चट्टानों को आंतरिक और बाह्य रूप से काटकर बनाया गया। इस उत्कृष्ट मंदिर का निर्माण और विकास चट्टान किया गया है। यह चट्टान को काटकर बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों और राजाओं द्वारा किया गया था। उपयुक्त अनुच्छेद में वर्णित मंदिर की पहचान करना है। तो इसमें आपका कैलाश मंदिर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सी होगा, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंतीदोरो के शासनकाल के दौरान कराया गया था। कुशल कारीगरों के एक समूह ने एलापुरा में एक पहाड़ी की बेसाल्ट चट्टान को ऊर्ध्वाधर काटकर भव्य नक्काशी की गई। औरंगाबाद के पास अवस्थित इस स्थान को वर्तमान में एलोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके वरीयता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भुक्ति, फिर उसके बाद उसके बाद होगा विषय, फिर होगा आपका अधिष्ठान, फिर होगा विधि। तो इसमें आपका 1, 4, 3, 2। तो इसमें क्या होगा, 1, 4, 3, 2, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा 11। गुप्त काल से लेकर हर्ष काल तक साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तर में भुक्ति और दक्षिण में मंडल अथवा मंडलम। प्रांतों का उपविभाजन उत्तर में विषय या भोग और दक्षिण में कुट्टम या वलनाडु विभागों में किया गया था। प्रशासन की अन्य इकाइयां अवरोही क्रम में जिलों के रूप में इस प्रकार थीं, उत्तर में अधिष्ठान या पट्टम, दक्षिण में नाडु ग्रामों का समूह अर्थात आधुनिक तहसील, जिन्हें उत्तर में विथि और दक्षिण में पट्टल और कुर्रम कहा जाता था, गांव प्रशासन की मूलभूत इकाई था।
क्वेश्चन है 12। निम्नलिखित में से कौन से साहित्य कालिदास द्वारा रचित हैं? इसमें रघुवंशम है, मृच्छकटिकम, ये आपका नहीं है, मेघदूत है, कादंबरी है, कादंबरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें रघुवंश है और मेघदूत है। कालिदास ने काव्य नाटक सहित गद्य के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ रचनाएं की। कालिदास द्वारा रचित नाटक हैं अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमवर्षियम और मालविकाग्निमित्रम। कालिदास रचित महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभव। कालिदास द्वारा रचित खंडकाव्य आपका मेघदूतम और ऋतु संगार। याद रखिए कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इस काल से संबंधित कुछ अभिलेखों में संस्कृत काव्य की अधिकांश विशेषताएं विद्यमान। हरिसेन द्वारा रचित प्रयागराज प्रशस्ति, वत्सवट्टी द्वारा रचित मंदसौर का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और महरौली स्तंभ अभिलेख, रवि कीर्ति रचित एहोल अभिलेख आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण। नाटककार सूद्रक द्वारा रचित किसके द्वारा? मृच्छकटिकम आपका सूद्रक द्वारा रचित है, अर्थात इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। 10 अंकों का एक संस्कृत नाटक था मृच्छकटिकम। इसका नायक ब्रह्मण चारुदत्त नामक व्यापारी और नायिका बसंत सेना नामक गणिका थी। और बाणभट्ट द्वारा 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वाद में रचित कादंबरी किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। संस्कृत भाषा की प्रेम परक कथा थी। इस रचना को बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था, ठीक है। 1 और 3 इसमें सही था, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 13। खसरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह जीवाणु जनित एक संक्रामक बीमारी है। गलत। इसे MMR वैक्सीन की सहायता से रोका जा सकता है। सही है। इसे सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। ये भी आपका सही है। तो केवल इसमें दूसरा कथन सही है। खसरे का विषाणु मॉर्बिली वायरस है। खसरे का विषाणु मॉर्बिली वायरस वर्ग का जो राइबो न्यूक्लिक एसिड विषाणु है, यह अत्यधिक संक्रामक है और प्रायः 90% से अधिक मामलों में असुरक्षित संपर्क में आने पर व्यक्ति में विषाणु को प्रसारित करता है। वायरस श्वसन प्रणाली को संक्रमित करता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। खसरा एक मानव रोग है, प्रायः जानवरों में नहीं फैलता है आपका, ठीक है। खसरे को 2 खुराक वाले टीके के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है और उन्नत स्वास्थ्य प्रणाली वाले कई देशों में आधिकारिक तौर पर इसका उन्मूलन कर दिया गया है। इसे MMR वैक्सीन से रोका जा सकता है। यह टीका 3 बीमारियों से रक्षा करता है, खसरा, गलसुआ और रुबेला, ठीक है। भारत सरकार टीका निरोधक रोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान चला रही है, जिसमें आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, खसरा, तपेदिक का गंभीर रोग, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि शामिल है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 14। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारत का एक राष्ट्रीय मापकी संस्थान है, सही है। NPL उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है, ये आपका गलत है। किलोग्राम इकाई की परिभाषा प्लैंक स्थिरांक पर आधारित है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में केवल दूसरा आपका कथन गलत है और 1 और 3 सही है, ठीक है। क्योंकि भारत राष्ट्रीय भौतिक जो प्रयोगशाला है, इसकी अवधारणा 1943 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय द्वारा इस दृष्टिकोण से अपनाई गई थी कि औद्योगिक वृद्धि एवं विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक साधन के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशाला में से एक है।
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 4 जनवरी 1947 को प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका 1 और 3 कथन सही था, दूसरा आपका गलत था, क्योंकि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा था। ठीक है, तो 1 3 सही है। निकोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निकोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक शामक प्रकृति का वनस्पति एल्किलॉइड है, सही है। इसमें कैंसरकारी तत्व पाए जाते हैं, सही है। महाराष्ट्र ने निकोटीन को वर्ग 1 विष के रूप में अधिसूचित किया है, यह आपका गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त तत्वों में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और आपका 2 सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्या है, गलत है। हाल ही में कर्नाटक ने निकोटीन को वर्ग 1 में अधिसूचित किया है, ठीक है, याद रखिए, किसने, कर्नाटक ने, ना कि महाराष्ट्र ने। तो इसमें आपका 1 और 2 कथन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको, ये आपके ज्वालामुखी विस्फोट हो गए और देश, ब्राइट आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया गलत है, ताल फिलीपींस ये सही है आपका, माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया ये भी सही है, माउंट एटना इटली ये भी सही है। तो इसमें पूछा है आपका सही सम्मिलित पूछा था, इसलिए 2 3 4 सही है, 1 आपका गलत है। क्या है, 1 आपका गलत है, क्योंकि जो आपका व्हाइट आइसलैंड है, ये व्हाइट आइलैंड, ये आपका न्यूजीलैंड का सबसे सक्रिय शंकु ज्वालामुखी द्वीप है, यह निरंतर ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित हुआ है, तो याद रखना न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 3 4 सही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन है हमारा 17। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनचांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, गलत है, अपराधों के लिए दंड के मामले में अग्नि जल विष द्वारा सत परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अर्थात दोष के लिए निर्णय का साधन थे, सही है, व्यापारियों को 9 घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका 2 और 3 सही है, लेकिन पहला कथन इसमें गलत है, सड़क और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या था आपका 2 और 3 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 18। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों का विस्तृत रूप में से चर्चा की, ये था आपका जिया बैप्टिस्ट टेओनियर, बी ऑप्शन सही है, जिया बैप्टिस्ट टेओनियर एक फ्रांसी अन्वेषक और व्यापारी था, टेओनियर भारत पहला विदेशी यात्री था जिसने भारत में हीरे की खदानों का वर्णन किया था। क्वेश्चन है 19। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल औजारों का उपयोग आम था, सही है, तीसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये आपका गलत है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, सही है,
सातवीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये आपका सही है। तो इसमें आपका दूसरा कथन केवल गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक साक्ष्य या ग्रंथ उपलब्ध नहीं है हमारे पास जो यह बता सके कि मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण 3rd शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तो इसमें आपका 1, 3, 4 सही था। क्वेश्चन है 20, भारत की संस्कृति संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? यह शैव मत का एक प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। गलत है। यह कांस और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली जो अभी भी कोरोमंडल तट के दक्षिण भाग में पाई जाती है। यह भी आपका गलत है। यह नृत्य नाटक का एक प्रारूप है तथा मालाबार के उत्तरी हिस्सों में एक जीवन परंपरा है। ये भी गलत है। यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवन परंपरा है। तो 20 में आपका डी हुआ, 20 में आपका डी हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। चलिए इसी तरह के हम लोग टेस्ट आगे भी लगाते रहेंगे। ठीक है।